गुड मॉर्निंग यू ब्यूटीफुल पीपल, और आज है हमारा डे 4 इन मसूरी, और आज हम जा रहे हैं लंडोर। तो लंडोर एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा टाउन है मसूरी के पास में, जो कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। और अभी हम लोग जा रहे हैं लाल टिब्बा लंडोर में। हम लोगों को हार्डली 30 मिनट्स लगना चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। पहाड़ों की बात ही कुछ और है, साफ हवा, खूबसूरत नज़ारे और हर कोने में मैगी स्टॉल। बट दैट इज़ नॉट ऑल, बाकी चीज़ें हम दिखाएंगे लेकिन अपने स्टाइल में। तो स्वागत है आपका भारत के उत्तराखंड में, स्वागत है आपका उत्तराखंड में। तो जो रास्ता मैं बोल रहा था 6-7 किलोमीटर का, वो मॉल रोड से ऊपर जाता है, लेकिन मॉल रोड से बाइक्स अलाउड नहीं है, कार भी अलाउड नहीं है, तो हम लोग मॉल रोड से नहीं जा पाए। तो हमें 5 किलोमीटर आगे आना पड़ा है, हमें नीचे आना पड़ा है जहाँ पर ये पेट्रोल पंप है, और यहाँ पर लगा है लंडोर का बोर्ड। तो यहाँ से अभी 6 किलोमीटर और जाना है, तो टोटल 11 किलोमीटर हो जाएगा हमारे होटल से। तो हम लोग लंडोर पहुँच चुके हैं। लंडोर पहुँचने में हमें लग गए थे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, बिकॉज सकरी गलियां और चढ़ान बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। और लंडोर की खासियत ये है कि ये थोड़ा ऊंचाई पर है तो मसूरी से भी ज़्यादा ठंडा रहता है, और ये पूरा का पूरा कैंट टाउन है। लंडोर के फेमस कैलॉग्स चर्च में आ चुका हूँ, बट ये चर्च अभी बंद है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला पड़ा हुआ है, तो अंदर से तो नहीं बता पाएंगे, तो अभी बाहर जा रहे हैं और बाकी चीज़ें लंडोर में एक्सप्लोर करते हैं। मैं लाल टिब्बा से घूम कर आ चुका हूँ, और लाल टिब्बा पर मुझे पता नहीं था कि उस पर्टिकुलर एरिया में ड्रोन उड़ाना मना है। तो मैंने जब ड्रोन उड़ाया तो वहाँ पर पुलिस आ गई थी, उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए। मैंने उन लोगों को बोला कि ऐसा कोई ज़्यादा उड़ाया नहीं है, आसपास ही उड़ाया था। उन लोगों ने बिना चालान किए मुझे जाने दिया। लेकिन हाँ, अब मैं यहाँ पर लंडोर में तो ड्रोन नहीं उड़ाने वाला। तो अभी मैं लंडोर में एक शांत सी स्ट्रीट पे आ गया हूँ। यहाँ पे इतनी शांति है, इतनी शांति, आप आके यहाँ पर आके आराम से बैठिए। अगर आपको मेडिटेशन करनी है मेडिटेशन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है। और पीछे जो है पूरे माउंटेंस दिख रहे हैं। अभी मैंने लाल टिब्बा में जाके बाइनोक्यूलर से देखा था, तो इन माउंटेंस के पीछे साफ साफ हिमालयाज भी दिख रहे थे, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। और आप यहाँ देखिए आसपास का एरिया कितना सीरियस।
अभी मैं लैंडर बेक हाउस से निकल चुका हूँ। मैंने वहाँ पे कॉफ़ी और क्रोसम ऑर्डर किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और काफ़ी अच्छा है, मतलब पुराने ज़माने का काफ़ी फील दिया है। तो मतलब उसी के लिए लोग जाते हैं वहाँ पर, और काफ़ी फेमस भी है यहाँ पर। तो भीड़ भी हो रखी थी, मैं अकेला था इसलिए मुझे टेबल मिल गई। मोस्टली लोगों को वहाँ टेबल नहीं मिल पा रही थी और लोगों को पैक करा के ही लेके जाना पड़ रहा था। तो लैंडोर मैंने ऑलमोस्ट सारा घूम ही लिया है, और जो चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं, आप रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो एक तो रॉकबाय मेंशन करके है, एक और है वुडस्टॉक बोल के। तो ये दो ऑप्शंस हैं रहने के जो मैंने नोटिस किए। उसके अलावा भी छोटे मोटे दो तीन होटल्स हैं, और उसके अलावा कैफ़ेज़ में भी तीन चार कैफ़े हैं जिनसे काफ़ी अच्छा व्यू आता है, तो वो भी फेमस हैं। और अब शाम का टाइम हो गया है और अभी हम आए हैं कंपनी गार्डन। मसूरी में बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं, और जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो एक और वाटरफॉल है, छोटा सा है पर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप यहाँ पे बच्चों के साथ आए हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्विंग्स हैं, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे बोटिंग भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो ये काफी फैमिली फ्रेंडली प्लेस है। यहाँ पे मसूरी के बहुत सारे लोकल प्लांट्स और फ्लावर्स हैं, तो अगर आपको प्लांट्स और फ्लावर्स देखना बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। यहाँ पे सब टाइप के प्लांट्स और फ्लावर्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। निकल रहे हैं कंपनी गार्डन से और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ कर जाएं। और ये वीडियो हमारी मसूरी सीरीज़ की आखिरी वीडियो थी, आगे की वीडियो आएंगी ऋषिकेश से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।